Hello guys, welcome to studycuriosity.com. Last day we had discussed about Project Tiger, and today we will going to discuss Project Elephant under the series of lecture on biodiversity conservation effort. So let's start. This is a brief introduction about myself. I did my BTEC in electronics and communication engineering, cracked NDA 3 times, co-founder of bookcuriosity.com, and recently we have launched a new website called study.bookcuriosity.com. Here you will find all the related study materials for your preparation, whether it's UPSC, CDS, NDA, SCRA, all government service examination. For all government service examination, you will easily get study materials here. So please go visit and give feedback so that we can enhance the features in the site. So Project Elephant. The Project Elephant क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है विच वॉज लॉन्च इन फेब्रवरी 1992 एंड इट्स एम इज टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिफाइड वायबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये लॉन्च कब हुआ था. सो प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च इन फेब्रवरी 1992. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू assist the states having free ranging population of wild elephant, and aim was to ensure the long term survival of identified viable population of elephant in their natural habitat. The project is mainly implemented in 13 states and union territories. So you have to remember all the names of the states in which the Project Elephant was launched. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Tamil Nadu, Uttaranchal, Uttar Pradesh and West Bengal. But a small support is also given to Maharashtra and Chhattisgarh. Elephant Corridor. What do you mean by Elephant Corridor? गवर्नमेंट सर्विस एग्जामिनेशन लाइक SSC में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, NDA और CDS में भी है. एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब पूछा जाता है, वट डू मीन बाई एलिफेंट कॉरिडोर, और इंडिया में टोटल कितने आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एलिफेंट कॉरिडोर क्या है. तो इट इज ए स्ट्रेच नैरो स्ट्रिप्स ऑफ फॉरेस्टेड लैंड दैट कनेक्ट लार्ज हैबिटेट्स विथ एलिफेंट पॉपुलेशन एंड फॉर्म अ कंडूट फॉर एनिमल मूवमेंट बिटवीन द हैबिटेट्स. दिस मूवमेंट हेल्प्स इनहेंस स्पेसिस सर्वाइवल एंड बर्थ रेट. सो एलिफेंट कॉरिडोर क्या है, एलिफेंट कॉरिडोर अ नैरो स्ट्रिप्स ऑफ फॉरेस्टेड लैंड दैट कनेक्ट्स लार्जर हैबिटेट विथ एलिफेंट पॉपुलेशन. सो देयर आर 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स एग्जिस्ट इन इंडिया. इंडिया में टोटल 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स है. 20 क्या है, 20 इन साउथ इंडिया में है, 12 इन नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में है, 20 इन सेंट्रल इंडिया में, 14 इन नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में है एंड 22 नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में. तो ये आपको सारे याद रखना है. पूछता है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में कितने, हाउ मेनी एलिफेंट कॉरिडोर्स है, सेंट्रल इंडिया में कितने हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में कितने, साउदर्न इंडिया में कितने. तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं. यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एलिफेंट कॉरिडोर क्या है, टोटल इंडिया में कितने एलिफेंट कॉरिडोर है, और सारे जगहों पे आपको ध्यान में रखना है कितने कितने हैं. व्हाट आर द थ्रेट्स टू द एलिफेंट कॉरिडोर. द मेन थ्रेट्स एलिफेंट कॉरिडोर का क्या है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, रेलवेज, हॉलीडेज रिसोर्ट्स, फिक्सिंग सोलर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग, इससे सारे क्या होते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको काट काट के क्या किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती है, जिससे एलिफेंट कॉरिडोर को काफ़ी प्रॉब्लम होता है. दैट मीन्स एलिफेंट के लिए क्या चाहिए, एक फॉरेस्टेड लैंड चाहिए, और फॉरेस्टेड लैंड पे बिल्डिंग, रोड, रेलवेज, हॉलीडे रिसॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है. कोल माइनिंग एंड आयरन ओर माइनिंग इज टू सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू एलिफेंट कॉरिडोर इन सेंट्रल इंडिया. जो कोल माइनिंग है और आयरन ओर माइनिंग है, ये दो ऐसे सिंगल बिगेस्ट थ्रेट है एलिफेंट कॉरिडोर इन सेंट्रल इंडिया में. जैसे उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये हम जानते हैं कि उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर मिनरल रिच स्टेट्स, बट ऑल्सो द हाइएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स आर एग्जिस्ट इन दिस स्टेट. हियर इट इज स्टेट होगा,
तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए कि उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ मिनरल रिच स्टेट है और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर है, तो यही एक थ्रेट क्रिएट करता है जिसे कहा जाता है एलिफेंट मैन कॉन्फ्लिक्ट। तो पूछता है कि एलिफेंट मैन कॉन्फ्लिक्ट किस किस स्टेट में होता है, तो स्टेट का नाम उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आपको ऑप्शन दिए रहेंगे या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग करना होगा, ये सारी चीजें। एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम टू द थ्रेट्स टू द एलिफेंट कॉरिडोर पोचिंग प्रॉब्लम, क्योंकि जो हाथी का दांत होता है एलिफेंट आइवरी फ्रॉम द टस्क इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, सो आपको ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एलिफेंट मैन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ होता है, किस किस स्टेट्स में है, तो उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। किस कारण से? बिकॉज दे आर द मिनरल रिच स्टेट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स आर एग्जिस्ट इन दीज स्टेट्स। माइक प्रोग्राम क्या है? ये माइक प्रोग्राम इज स्टैंड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। माइक प्रोग्राम एक मॉनिटरिंग, इसका फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स एंड इट इज मैंडेटेड बाय सीओपी रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि कब मैंडेट किया गया था, बाय द सीओपी रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स मेक माइक प्रोग्राम स्टार्टेड इन साउथ एशिया 2003 में। ये आपको ध्यान में रखना है कि मैंडेट कब हुआ था, बाय द सीओपी रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स एंड द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन साउथ एशिया 2003 एंड द एम इज The aim of MIC program is to provide the information needed for the elephant range states to make appropriate management and enforcement decision and to build institutional capacity within the range states for long-term management of their elephant population. तो आपको ये चीजें ध्यान में नहीं रखनी है, बस मैंने ये सिर्फ पॉइंट यहाँ पे दिखाया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव था कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एलिफेंट रेंज स्टेट्स को कि हाउ दे कैन मेक एन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड इन्फोर्समेंट डिसीजन। अंडर दिस प्रोग्राम द डेटा आर टेकन फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑन द मंथली बेसिस इन स्पेसिफाइड माइक पेट्रोल फॉर्म। सो इस प्रोग्राम में क्या किया जाता है, जितने भी साइट्स है वहां पे मंथली बेसिस पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, किसमें एक माइक पेट्रोल फॉर्म होता है एंड इट इज सबमिटेड टू सब रीजनल ऑफिस फॉर साउथ एशिया प्रोग्राम विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली who are assisting ministry in implementation of the program. So यहाँ पे सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना है कि माइक प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इट स्टैंड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स एंड इट इज मैंडेटेड बाय सीओपी रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स। माइक प्रोग्राम स्टार्टेड इन साउथ एशिया 2003 एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्रॉम ऑल द साइट्स द डेटा आर टेकन ऑन द मंथली बेसिस इन स्पेसिफाइड माइक पेट्रोल फॉर्म एंड इट इज सबमिटेड टू सब रीजनल ऑफिस फॉर साउथ एशिया प्रोग्राम विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली हु आर असिस्टिंग मिनिस्ट्री इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। सो क्लियर आई थिंक। एंड नाउ वी विल डिस्कस टू मोर थिंग्स, कैंपेगन विच वॉज हाथी मेरे साथी एंड द मास्कोट गज्जू। सो हाथी मेरे साथी कैंपेगन, आपने फिल्म भी देखा होगा हाथी मेरे साथी, जिसमें राजेश खन्ना शायद एक्टर था। एंड दिस कैंपेगन, हाथी मेरे साथी कैंपेगन वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट इन पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एसएससी, एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल वाले लोग इसके ध्यान से देखिए क्योंकि वहां पे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन पार्टनरशिप विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके क्या किया था, हाथी मेरे साथी कैंपेगन को लॉन्च किया था। And its aim is to improve the conservation and welfare prospect of elephant because India's national heritage animal is elephant. The campaign was launched at the Elephant 8 ministerial meeting held in New Delhi on 24th May 2011. ये ध्यान में रखना है कि ये campaign किस कब लॉन्च हुआ था, तो this is launched at the Elephant 8 ministerial meeting which is held in New Delhi On 24th May 2011। E8 countries कौन कौन से, आपको ध्यान में रखना है elephant eight countries कौन कौन से है, तो elephant eight countries है इंडिया, बोस्टोमाना, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया एंड थाईलैंड। आई थिंक सर एंड मैडम इट्स क्लियर फॉर यू। कैंपेगन नाउ नेक्स्ट, कैंपेगन वॉज कैंपेगन मास्कोट गज्जू। मास्कोट गज्जू इसका कैंपेगन का स्लोगन था टेक गज्जा एलिफेंट टू द प्रजा द पीपल। इस द कैंपेगन फोकसेस ऑन द वेरियस टारगेट ऑडियंस ग्रुप इंक्लूड लोकल नियर एलिफेंट हैबिटेट्स यूथ पॉलिसी मेकर अमॉन्ग अदर ब्ला 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 एंड द रिकमेंडेड बाय द एलिफेंट टास्क फोर्स। द कैंपेगन मास्कोट गज्जू वॉज रिकमेंडेड बाय द एलिफेंट टास्क फोर्स। ये एक टास्क फोर्स है विच इज कंस्टिट्यूटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ
इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एंड द कैंपेगन वॉज, और यू कैन से द स्लोगन क्या था, टेक गज्जा, एलिफेंट को लेके जाओ प्रजा के पास, मतलब पीपल के पास, तो टेक गज्जा टू द प्रजा. एंड इट्स एम इज टू प्रोवाइड द अवेयरनेस, इनकरेज पीपल पार्टिसिपेशन इन एलिफेंट कंजर्वेशन एंड वॉलफेयर, तो आप वेलफेयर. सो आपको ये ध्यान में रखना है दो चीज़ें, कि हाथी मेरे साथी कैंपेगन कब लॉन्च हुआ था, विच इज लॉन्च इन 24 मई 2011, एंड द कैंपेगन मास्कोट गज्जू, एंड वट इज द स्लोगन ऑफ दैट. एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई थी, तो E8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग रिप्रेजेंटेड रीजन विथ 3 स्पेसीज ऑफ एलिफेंट. तीन स्पेसीज का नाम ध्यान में रखना है, एलिफास मैक्सिमा, ये क्या है, मैक्सिमस, ये क्या है, एशियन एलिफेंट होता है, लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, अफ्रीकन बुश एलिफेंट होता है, एंड लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस, ये अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिमेंट होता है, एलिफेंट होता है. तो आपको ये तीनों ध्यान में रखना है कि एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर तीन स्पेसीज ऑफ एलिफेंट कौन कौन सा था, तो दैट वॉज एलिफास मैक्सिमा, लोक्सोडांटा अफ्रिकाना, लोक्सोडांटा साइक्लोटिस. एंड द डिस्कशन कवर अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज कैटेगराइज्ड अंडर 3 बेसिक थीम्स. व्हाट वर थीम, साइंस एंड कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, कल्चरल इथिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन. और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज, E50-50 फोरम क्या है, E50-50 फोरम. तो E50-50 फोरम एलिफेंट एट कंट्री जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि फर्स्ट नेशनल कांग्रेस ऑफ E50-50 फोरम को अर्ली 2013 में एट न्यू दिल्ली पे ऑर्गेनाइज किया जाए. क्यों? फॉर एडॉप्टिंग ए कॉमन ग्लोबल विजन ऑन द कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एलिफेंट अक्रॉस ऑल रेंज कंट्रीज. सो ये E50-50 फोरम एक क्या है, फोरम था, ग्रुप था, जो मिनिस्टर एलिफेंट एट कंट्रीज जिसके अंदर इंडिया, बोस्टवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, थाईलैंड, ये सारी कंट्री आती हैं, वो मिलके फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस अर्ली 2013 में एट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की थी. एंड इट्स एम वॉज टू एडॉप्ट अ कॉमन ग्लोबल विजन ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट वेलफेयर एंड एलिफेंट अक्रॉस ऑल रेंज कंट्रीज. सो आई थिंक इट इज क्लियर, प्रोजेक्ट एलिफेंट इज क्लियर. एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट वल्चर, वन हॉर्न राइनो, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, विच इज लॉन्च इन जनवरी 2009. आवर चैनल, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग studycuriosity.com. प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. एंड प्लीज इंटरेक्ट विथ अस, बिकॉज इट दैट इंटरेक्शन विल गिव us courage to make the videos for your preparation. And please go and visit to our site study.bookcuriosity.com, where you will find all materials.